नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पी एस टी क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इस वीडियो में राजस एवं भूमि सुधार विभाग के बारे में बात करने वाले, जो बिहार अमीन के 10,101 पोस्ट पर बहाली निकल के आई थी, जिसमें पदे अमीन, कानगो, लिपिक और एएसओ का सभी का इंतजार समाप्त। ट्रेनिंग के लिए नोटिस जारी, आयोग ने ज्वाइनिंग लेटर संबंधित नोटिस जारी किया है। दोस्तों इस साइड आप नोटिस देखते होंगे, जो कि कल का नोटिस है 15/4/2024। तो चलिए सबसे पहले विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और नोटिस डाउनलोड करके बता रहे हैं आप लोग को कब विभाग ज्वाइनिंग करवा रहा है और ट्रेनिंग कब से आप लोग को स्टार्ट करवा रहा है। सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाले हैं, इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बिहार एलआरसी फाइनल ज्वाइनिंग लेटर आने का इंतजार कर रहे थे। बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं जो विभाग की तरफ से निकल के आई है। आप लोग वीडियो में बने रहिए। दोस्तों अभी तक आप लोग अगर पी एस टी का इसके टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 1200 स्टूडेंट इसका लाभ उठा रहा। देखिए कल का डेट में ही हम नोटिस डाल दिए थे, कल का ही डेट में नोटिस हम जो है टेलीग्राम पर डाल दिए थे। हम पहले ही बता दिए, सबसे पहले जो भी अपडेट आता है हम टेलीग्राम पे डालते हैं और व्हाट्सअप चैनल पे डालते हैं, बाद में हम यूट्यूब पर अपडेट देते हैं। कल नाइट में ही हम आपको डाल दिए, समय भी देख लीजिए यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है जो पहले नहीं डालते, सबसे पहले टेलीग्राम पर डालते हैं, इसलिए सभी स्टूडेंट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए यही नोटिस हम डाउनलोड किए हुए हैं, ओपन करके हम आपको बता देते हैं। देख लीजिए दोस्तों, यही नोटिस है 15/4/2024 और आपके सामने में लिखा हुआ है। और देख लीजिए ये विभाग के द्वारा लेटर जारी किया गया है जय सिंह, निर्देशक भू अभिलेख एवं परिवहन बिहार पटना सेवा में सवराहर्ता। देखिए कहाँ लिखा, पटना, कैमूर, भभुआ, रोहतास, सासाराम, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, सारण, सीवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, भागलपुर और उसके बाद बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए। देख लीजिए बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, जहानाबाद, बांका, जमुई, मुंगेर, सीतामढ़ी, सीपर, शेखपुरा, नालंदा, सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, नवादा, गया। अपर समरहर्ता सह प्रभारी बंदोबस्त पदाधिकारी अरवल। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी अररिया, पश्चिमी चंपारण और सहरसा। तो देख लीजिए कल के डेट में ये नोटिस जारी किया गया है, क्या दिया गया है इसके बारे में हम आपको पढ़ के बताते हैं। विषय देखिए भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के आदेश संख्या 177 दिनांक 11/1/2024 के आलोक में राज्य के प्रत्येक अंचल में प्रारंभ होने वाले विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य के लिए नव नियोजित होने वाले विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के जिला स्तरीय प्रशिक्षण के लिए मास्टर प्रशिक्षकों की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में पहली बता दी आप लोगों को। ट्रेनिंग के लिए देख लीजिए सभी के जो है अपना ही जिला में आपको ट्रेनिंग सेंटर दिया जाएगा और आप लोगों को ट्रेनिंग करवाया जाएगा। महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि भू अभिलेख एवं परिवहन निदेशालय के आदेश संख्या 177 दिनांक 11/1/2024 के अनुपालन में राज्य के प्रत्येक अंचल में एक विशेष सर्वेक्षण शिविर की स्थापना प्रस्तावित है। शिविर में एक शिविर प्रभारी, 100 विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, 2 विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, 2 विशेष सर्वेक्षण लिपिक तथा अंचल के कुल ग्रामों के विरोध, प्रत्येक 4 ग्रामों के लिए एक विशेष सर्वेक्षण अमीन की पदस्थापना की जानी है। उक्त शिविरों में कर्मियों की पदस्थापना हेतु 10,101 विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के नियोजन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है एवं जिला स्तर पर पदस्थापन का कार्य प्रक्रियाधीन है। चलिए आगे देख लीजिए, उक्त विशेष सर्वेक्षण नवनियोजित कर्मियों को शिविर स्तर पर पदस्थापित किए जाने के पूर्व सभी नवनियोजित होने वाले कर्मियों को जिला स्तर पर कम से कम 1 सप्ताह का सैद्धांतिक एवं 2 सप्ताह का प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिला स्तरीय प्रशिक्षण जिला द्वारा पूर्व से चयनित मास्टर ट्रेनर द्वारा दिया जाएगा तथा प्रशिक्षण स्थल का चयन जिला स्तर पर करते हुए नव चयनित कर्मियों के 50-50 का समूह बनाकर उन्हें कर्मवार प्रशिक्षण किया जाएगा। उक्त के आलोक में अनुरोध है कि जिला स्तर पर वर्तमान में कार्यरत विशेष सर्वेक्षण कर्मियों नियमित कर्मियों में से योग्य प्रशिक्षकों का चयन कर दिनांक 25/4 देख लीजिए 25/4/2024 तक भू अभिलेख
अभिलेख एवं परिमाप निर्देशालय को मास्टर प्रशिक्षकों की सूची उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए ताकि चयनित मास्टर प्रशिक्षकों को ससमय निर्देशालय स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही जिला स्तर पर प्रशिक्षण देने हेतु उपयुक्त स्थल भवन का चयन कर उसकी सूची भी निर्देशालय को उपलब्ध कराई जाए। विश्वास भाजन देख लीजिए, जयसिंह का जो है हस्ताक्षर है। तो दोस्तों हम पहले ही आपको बता दिए थे जो 15 के बाद आप लोग को जो है ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, हर चीज़ हो जाएगी। तो एक सप्ताह के लिए आप लोग को देखिए ट्रेनिंग दिया जा रहा है और आपके अपना ही डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग सेंटर रहेगा और 50-50 की संख्या में जो है आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो है ना गुड न्यूज़ जो कि कल ही हम आपको बता दिए थे और यूट्यूब पर अभी हम आपको अपडेट कर रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सअप चैनल नहीं ज्वाइन किए तो व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए, क्योंकि बिहार का नंबर वन चैनल है PST की क्लासेस जो कि हमेशा सही और ऑथेंटिक न्यूज़ ही प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से यही हम आपको जानकारी देने वाले थे, ओके आप लोग समझ गए होंगे। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। जैसे ही विभाग तरफ से और भी कोई जानकारी मिलेगी वीडियो बनाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू।